हश्र के मैदान में जब मेरा रब सबका हिसाब ले रहा होगा, तब नबी की उम्मत यानी हमारा भी हिसाब होगा। मगर जब हमारे हिसाब की बारी आएगी तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरमाएंगे, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे। तो मेरा अल्लाह कहेगा, ऐ नबी क्यों? तो मेरे नबी अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, इनका हिसाब मैं ले लूं ताकि इन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो मेरा रब फरमाएगा, मेरे महबूब, अगर आप इनका हिसाब लेंगे तो आपके सामने ये ज्यादा शर्मिंदा होंगे, इसलिए मैं इन्हें आपके हवाले नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनका हिसाब खुद लूंगा और पर्दे में लूंगा। इसके बाद एक पर्दा आ जाएगा और उस पर्दे के पीछे अल्लाह पूरी उम्मत का हिसाब लेगा, जिसके बाद पूरे मजमे को किसी की अच्छाई या बुराई का पता नहीं चलेगा। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान पाएगा कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं और हमने जाने अनजाने में कितने गुनाह किए। सुभान अल्लाह। ए मोमिनो, तुम चाहो तो समुन्दर के कतरे गिन सकते हो, आसमान के तारे गिन सकते हो, बारिश की बूंदे गिन सकते हो, लेकिन हमारे नबी और हमारे रब के हम पर कितने एहसान हैं ये सारी जिंदगी नहीं गिन सकते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने मोमिन दोस्तों तक भी पहुंचाएं।